मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनी वंदनी समाज धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, किसी ने कहा है फूलों की खिलो तो फूलों की तरह मत खिलो, खिलो तो फूलों की तरह मत खिलो, जो एक दिन खिलता है दूसरे दिन मुरझा जाता है। बनो तो कुछ ऐसे पत्थर की तरह जो कि तराशे गए तो वह भगवान का रूप बन जाता है। हमारे जीवन में क्या होता है, थोड़े में हम उचकते हैं, थोड़े में पचकते हैं, जीवन खत्म हो जाता है। बस किसी ने कुछ कहा, जीवन में प्रसन्नता आ गई। किसी ने निंदा किया, जीवन में प्रसन्नता खत्म हो गई। ये फूल की तरह खिलना अच्छा खिलना नहीं है। हम एक पत्थर की तरह बने जिसको नगर गढ़ करके छील करके सुंदर रूप दिया गया तो वह भगवान का रूप बन जाता है। वैसे ही हम मजबूत बने। आदमी इतना कमजोर है, इतना कमजोर इसकी कोई सीमा नहीं है। डर और भय आदमी को इतना सताता है, थोड़े थोड़े में आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जीवन भर आदमी गुरु बदलते रह जाते हैं, गुरु बदलते रह जाते हैं, जगह बदलते रह जाते हैं, जीवन में शांति नहीं मिलती है। कितना गुरु बदलेंगे, कितने संतों के पास जाएंगे। एक ने कहा ये गुरु अच्छे हैं उसके पास चले गए, एक ने कहा वो गुरु है उसके पास चले गए। आदमी इतने विवेक नहीं है कि हमको कौन से गुरु बनाना चाहिए, कैसे गुरु बनाना चाहिए। आदमी भेड़िया दसान की तरह दौड़ रहा है, बस दौड़ लगा रहा है, मंजिल नहीं मिल रही है। क्योंकि इस सब का कारण है हमने गुरु सही नहीं कर पाया और आज भी दौड़ रहे हैं। दौड़ते रह जाएंगे जीवन भर, कुछ नहीं मिलेगा। हम जीवन की शुरुआत, आदमी कुछ भी करना चाहता है तो शुरू होता है जीवन गुरु से ही। गुरु एक एहसास है, गुरु एक तजुर्बा है, गुरु भक्ति का स्वरूप है, गुरु समर्पण है, गुरु ज्ञान है, गुरु प्यासे को पानी पिलाता है, गुरु एक सरोवर है। जैसे नदियों में गंगा नदी महान गंगा नदी है बड़ा, वैसे ही गुरु सर्वोपरि है। पर्वतों में कैलाश पर्वत है, वैसे ही गुरु है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, अब तक क्या पाया है हमने, सही गुरु ना मिलने की वजह से भटकाव है। और दुनिया में गुरु अब कम रह गए हैं, अब दुनिया में गुरु ज्यादा हो गए हैं। धर्म के नाम पर, गुरु के नाम पर न जाने क्या क्या नहीं हो रहा है आज इस भारत में। भारत एक ऐसा देश है जहां गुरुओं की कमी नहीं है, और भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है। और जितना यहाँ गुरु बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे ज्यादा व्यापार कहीं नहीं चल रहा है। इसलिए सबको सावधान होने की जरूरत है। यदि जीवन में सही निर्णय नहीं कर पाए, आत्मज्ञान नहीं हो पाया, तो बदलते रह जाएंगे गुरु, बदलते रह जाएंगे जीवन, रहेगा जहां का तहां, अंतिम में कुछ नहीं मिलेगा, बस खाली हाथ। कोई गुरु ये कहते हैं कि मेरी से मुक्ति मिलती है, मेरे से जुड़ो, मेरे आश्रम से जुड़ो, मेरे परंपरा से जुड़ो, मेरे मत पंथ से जुड़ो, मतलब वह गुरु गुरु नहीं हो सकता है, वह गुरु हो सकता है, चाहे कोई भी हो। अगर कोई कहते हैं कि मेरी ही मत और पंथ में मुक्ति है,
मेरे ही संप्रदाय में मुक्ति है, वह गुरु नहीं हो सकता है, ये उसकी पहली निशानी है। गुरु सही मार्ग बताते हैं, गुरु का काम है सही मार्ग बताना, चलना हमारा काम है। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु सिर्फ एक रास्ते पर चलते हैं तो मील की पत्थर होती है, ठीक वही मील की पत्थर की तरह गुरु का काम है। हम रास्ते में मील के पत्थर को देखते हुए सैकड़ों किलोमीटर हजारों किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं, भटकते नहीं है, ठीक वैसे ही गुरु हमें मार्ग बताते जाते हैं, उस मार्ग के पीछे पीछे चलते हैं तो हम भटकते नहीं है, भटकना नहीं पड़ता है। कौन कितने बड़े आश्रम में है, कौन किस गुरु के कितने शिष्य है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है गुरु का आचरण उच्च हो, ज्ञान उच्च हो, रहनी उच्च हो, वह गुरु सर्वोपरि गुरु है। अध्यात्म दृष्टि से, गुरुओं की दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से जितने ही पर्व मनाया जाता है भारत देश में, गुरु पूर्णिमा अध्यात्म की दृष्टि से सर्वोपरि है। सबसे बड़ा पर्व है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है, आज गुरुदेव जी के एक अंतिम वाक्य रहा, गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है आत्मसम्मान की कमी ना हो और मन में प्रसन्नता कभी ना घटे। बस जहां छीन है मन में, खिन्न भाव है मन में, द्वेष का भाव है मन में, राग का भाव है मन में, जलन है, तो फिर हमने गुरु सही नहीं कर पाया। जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिसधाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। गुरु और कबीर कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर सत्य करो नहीं कान। गुरु वचन क्या है? गुरु तो किसी को भी कह सकते हैं, गुरु वचन क्या है? आखिर हम किसी को भी गुरु कह सकते हैं? दो दो चार कहे, दो दो पांच कहे, दो दो छह कहे, गुरु कह रहा है, मान्य है? नहीं। गुरु वचन वह है जिसमें दो और दो चार अगर कोई भी कहते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी, वह गुरु वचन है। गुरु वचन वह वचन है जिसमें भ्रांति नहीं है। गुरु वचन वह है जिसमें चमत्कार नहीं है। गुरु वचन वह है जिसमें आडंबर नहीं है। आज गुरु के नाम पर जितने आडंबर हो गए हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम जो कुछ करते हैं उसके परिणाम में हमको शांति नहीं मिलती है, उसके परिणाम में हम रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ करना सिर्फ एक कर्म कांड है और उसके अलावा कुछ नाम नहीं दिया जा सकता है। यदि हम सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु से मिलते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और यदि हमको जीवन में शांति नहीं मिल रही है, तो सिर्फ हम एक कर्म कांड कर रहे हैं, कर्म कांड के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कितने बड़े आश्रम में है गुरु वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके कितने बड़े शिष्य है वो महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु कितने पुराने हैं, कितने वर्ष के हैं, कौन से कपड़े में हैं, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है गुरु का आचरण, गुरु का ज्ञान। शिष्य ने गुरु से पूछा, बहुत कई शिष्य बैठे थे, सभी से पूछे, ये बताओ लोहा ज्यादा मूल्यवान है कि चांदी? सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव चांदी ज्यादा मूल्यवान है। एक स्वर में कहा। एक शिष्य किनारे बैठा हुआ था, चुप बैठा था, शिष्य से गुरु देखते हैं, सबके सब एक और एक ओर से उत्तर दिए कि चांदी मूल्यवान है, लेकिन एक शिष्य चुप बैठा हुआ है। उनको पूछते हैं, तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? शिष्य कहते हैं, गुरुदेव मूल्यवान चांदी नहीं, मूल्यवान लोहा है। जैसे ही शिष्य ने उत्तर दिया मूल्यवान लोहा है, सबके सब अचंभे में पड़ गए, एक सबके सब मुड़ करके देखते हैं कैसा उत्तर दे रहा है, मूल्यवान लोहा है। गुरु पूछते हैं, कैसे?
शिष्य कहते हैं, गुरुदेव चांदी चांदी है लेकिन लोहा को अगर पारस पत्थर मिल जाए तो वह सोना बन जाएगा। गुरुदेव जो चीज है उसमें जो बढ़ने की संभावनाएं हैं, जो होने की संभावनाएं हैं, वो वह उसकी मूल्य को बताता है, उसकी मूल्य को वह बताता है। ठीक ऐसे ही शिष्य को कहीं पारस मणि की तरह गुरु मिल जाए तो वह शिष्य शिष्य नहीं रह जाता है, वह गुरु बन जाता है। हम सबको गुरु बनना है। और मैंने कहा आत्मज्ञान से बढ़कर के सर्वोपरि गुरु कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि हमारा ज्ञान सही नहीं है, हमारा मार्ग सही नहीं है, तो हम जीवन भर जैसे आज लोग गुरु बदलते रह जाते हैं, जीवन भर गुरु बदलते रह जाएंगे, बदलते रह जाएंगे, जीवन में आत्म शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हम सबको गुरु सही करना है। गुरु कौन हो सकते हैं? जैसे एक आदमी मटका लेता है, 2 रुपये की मटका को भी छीन कर अच्छा से ठोक करके बजा करके लेता है, उसी प्रकार यदि हम जीवन में गुरु करते हैं तो हमें सही गुरु करने की आवश्यकता है। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।